आज मैं शेयर कर रही हूँ मलाई पनीर की रेसिपी। मलाई पनीर बनाने के लिए जो पनीर मैंने यूज़ किया है उसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से निकाला है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं मलाई पनीर बनाना। पैन में मैंने डाल दिया है देसी घी और थोड़ा सा डाला है रिफाइंड ऑयल। उसके ऊपर डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और डायरेक्ट ही डाल दिया है टमाटर की प्यूरी। प्यूरी बनाने के लिए 3 टमाटर, 8 से 10 काजू, 2 हरी मिर्चें और 1 अदरक का टुकड़ा यूज़ किया है। आज मैं लहसुन और प्याज बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, धीमी आंच पर इस तड़के को पकाना है। पहले हम डाल देंगे नमक स्वादानुसार और फिर लगाएंगे ढक्कन। जब तक तड़का अच्छे से पककर तैयार हो जाएगा तब तक हम कर लेंगे खास काम और वो है पनीर बनाने का। आज मैं बना रही हूँ मसाला पनीर, यानी कि दूध जो फटाते वक्त पनीर में कुछ मसाले डाल देंगे। तो दूध तो उबल ही चुका है और कौन कौन से मसाले मैं डाल रही हूँ वो देख लीजिए। काली मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया, चिली फ्लेक्स और दूध फटाने के लिए मैं सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आखिर में डाल देंगे नमक। और जैसे पनीर बनाते हैं ना, फटे हुए दूध को धोकर पोटली बनाकर दबाकर रखते हैं, ठीक वैसे ही किया है। लेकिन आज मुझे पनीर की शेप थोड़ी बड़ी लंबी चाहिए थी, इसीलिए पनीर के बड़े टुकड़े को 2 पीसेस में कट किया पहले, फिर इस तरीके से लंबे लंबे पीस कर लिए। और इतनी ही देर में तड़का भी तैयार हो चुका है, आप देख लीजिए ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। तो आज बना रहे हैं मलाई पनीर और अब हम डाल देंगे मलाई। मार्केट वाली मलाई नहीं है, घर पे जो दूध पे जमा होती है ना वही मलाई, काफ़ी थिक थी और फेंटी भी नहीं गई, मैंने कोशिश भी नहीं की फेंटने की, जैसी थी वैसे ही डाल दी। अब धीमी आंच पर मलाई को तड़के में मिक्स करना है और मिक्स करने के साथ साथ पकाना भी है। लेकिन ख्याल रखें कि गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई ना करें, ढक्कन खोल कर ना पकाएं। क्या होता है कि छींटे उड़ते हैं मलाई डालने के बाद, तो फिर जलने का खतरा भी रहता है। तो धीमी आंच पर ढक्कन लगाकर पकाइए, थोड़ा वक्त लगता है लेकिन फिर जो डिश तैयार होती है वो काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। तो जब मलाई अच्छे से पक जाए तो फिर डाल देंगे पनीर के पीसेस। और जो घर का पनीर रहता है ना उसके उतने लंबे पीसेस नहीं बन पाते, टूट जाते हैं। और जो मार्केट का पनीर होता है उसके तो डिफरेंट शेप किए जा सकते हैं, लेकिन मैं घर का पनीर यूज़ कर रही हूँ इसलिए जो पीस लंबे लंबे काटे उन्हें धीरे धीरे चला रही हूँ ताकि वो टूट ना जाए। और फिर से ढक्कन लगाकर पका लीजिए। और आपको लगे कि थोड़ा पानी लग सकता है प्यूरी में तो डाल सकते हैं, मैंने एक कटोरी पानी डाला है। और फिर से ढक्कन लगाना है और अच्छे से पानी को उबाल लेना है। आखिर में डालेंगे वो इंग्रेडिएंट जिनके बिना हमारी जो मलाई पनीर की रेसिपी है वो अधूरी है, वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को थोड़ा सा तवे पर भून लेना है, क्रश करके फिर डाल देना है। और ये जो रेसिपी है ना इसे गर्म गर्मी सर्व करो तो अच्छी लगती है खाने में, ठंडा होने के बाद फिर वो खाने में मज़ा नहीं आता। और आप देख लीजिए पनीर के पीसेस टूटे नहीं हैं, बस एक दो थोड़े टूट चुके हैं, बाकी पूरे साबुत हैं। तो यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू।